पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं सर। एटीट्यूड वाला इंसान वो है जिसके सामने दुनिया झुकती है, उसके पावरफुल एटीट्यूड की वजह से लोग उसके पीछे भागते हैं, लड़कियां उसके पीछे भागती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर कैसे लाएं। वीडियो को एंड तक देखें अगर आपको ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर चाहिए तो। नंबर वन, एक पावरफुल एटीट्यूड वाला इंसान जो दुनिया पर राज करता है वो इमोशनलेस होता है, क्योंकि उसे दुनिया की सच्चाई पता होती है। कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई जो आपको जानने की बहुत जरूरत है। पहला, सिमिलैरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। कोई बहुत अमीर है तो अपने एक दिन के खाने पर करोड़ों रुपया खर्चा करता है, जैसे कि नीता अंबानी, उसका एक वाटर बोतल 42 लाख का आता है। वह इंस्टाग्राम पर आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें एक बूढ़े अंकल को कचड़े से उठाकर रोटी खाना पड़ता है, वो उसको धोकर पानी से धोकर खाते हैं। हैंस प्रूव्ड, इस दुनिया पर राज वही करेगा जिसके अंदर ताकत हो। सेकेंड, अब ताकत दो तरह के होते हैं, पहला कनेक्शन और दूसरा पैसा। पैसा जिसके पास है वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ये सच्चाई है। दूसरा, कनेक्शंस, यानी आपके कनेक्शंस बड़े बड़े लोगों के साथ हो जो आपके एक इशारे पे सामने वाले की औकात दिखा दें। दोनों केस में दुनिया आपके सामने झुकती है। तीसरा, कोई कितना भी बोल दे कि लुक्स और पैसे मैटर नहीं करते, इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल गलत। ये दुनिया लुक्स और पैसे के पीछे भागती है, अच्छे दिल वालों को हमेशा लात मारा जाता है। वॉशिंगटन की एक स्टडी में पता चला, एक स्कूल के दो बच्चे जो सेम परफॉर्मेंस देते थे, सेम टैलेंटेड थे, उनको हमेशा लुक्स के हिसाब से ट्रीट किया जाता था। जो बच्चा गुड लुकिंग था, अच्छे कपड़े पहनता था, उसको ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाता था एज कम्पेयर टू दूसरा बच्चा। फोर्थ, कोई भी इमोशनल पेन 12 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकता, हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद आप जो भी करते हो ना, अपने दिमाग की उपज होती है जो भी रोना धोना करते हो, तो कभी भी कोई रिश्ता हो उसमें ज़्यादा मत झुकना, क्योंकि आप अकेले भी सरवाइव कर सकते हो, 12 मिनट बाद एकदम चिल रहोगे। लेकिन पता है जो लोग फुद्दू होते हैं ना, वो 12 साल तक भी नहीं निकल पाते। यू हैव टू बी इमोशनलेस ब्रदर। पॉइंट नंबर टू, एटीट्यूड फील करो। एटीट्यूड लाना है अपने अंदर तो एटीट्यूड फील करो। एटीट्यूड में चलो, लोगों से आंखें मिलाकर बात करो, सुंदर दिखो, अच्छी परफ्यूम लगाओ, छाती चौड़ी करके चलो ताकि लोगों को लगे सामने वाले में दम है। अगर आंखें मिला नहीं पाओगे, आंखें छुपाकर बात करोगे, मरगिल्ले की तरह चलोगे, झुक के बॉडी से बदबू आएगी, तो फिर खाक का एटीट्यूड। रहो ऐसे जैसे दुनिया के किंग तुम ही हो, तभी तो बाकी लोग आएंगे और कहेंगे ये हमारा राजा है और हम इसके गुलाम। किंग एक फीलिंग है। शेर जंगल का राजा क्यों होता पता है? क्योंकि उसे लगता है कि वो जंगल का राजा है। वो कहता है आओ बीसी, देखता हूँ कौन आता है, राजा तो अपुनिच्छा। किंग होना एक एटीट्यूड है। आपने कई ऐसे स्टोरी सुने होंगे एंशियंट हिस्ट्री में जिसमें किंग से सबको छीन लिया जाता है और वो दोबारा जीरो से स्टार्ट करके या तो राज्य को फिर से जीत लेता है या फिर दोबारा बना लेता है। कैसे? जीरो से फिर से स्टार्ट करना और उसी लेवल पर पहुंचना किसके बस की बात है? ये मामूली बात नहीं है जीरो से लेकर फिर वहां तक पहुंचना। जीरो से लाखों लोगों को फिर से बनाना और वही जिंदगी फिर से स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन किंग कर लेता है क्योंकि किंग एक एटीट्यूड है। वो जहां भी रहता है किंग जैसे रहता है। किंग वही होता है जो खुद को किंग फील करता है, और किंग बनना इतना आसान नहीं है। डर की आंखों में आंखें मिलाकर कहना पड़ता है आप बीसी देखता हूं। पॉइंट नंबर थ्री, लोगों की मत सोचो। लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ है, पागल है, चोमू है, चूचू है, इसमें कोई दम नहीं, ये निगेटिव है, ये घटिया है। हर बार का जवाब करारा मिलेगा, हर बार का जवाब हम अपने अचीवमेंट से उन्हें देंगे। दुनिया की मत सुनो, खुद में झांक कर देखो कि क्या सच में तुम कमजोर हो, क्या सच में तुम निकम्मा हो। नहीं ना तो कान बंद कर लो। एक वक्त था जब एक अंकल ने मुझे कहा था, बेटा बर्बाद हो गए हो तुम, तुम्हारा फ्यूचर मैंने देख लिया। आज ऐसा वक्त है जब उनका बेटा मुझे रोल मॉडल मानता है, तो ये वक्त वक्त की बात होती है मेरे दोस्त। ये समझो ना कि लोगों को हिम्मत हो रही है कुछ कहने की, इसलिए क्योंकि वो तुम्हें कमजोर समझते हैं। कुछ बड़ा करके दिखाओ, वो क्या उनके बाप भी सलाम करेंगे तुम। दुनिया पर राज करने के लिए ताज पहनना पड़ता है, और वो ताज पहनने के लिए तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा पहले। पॉइंट नंबर फोर, किसी से जलो मत। एटीट्यूड वो नहीं कि तुम किसी को देखकर कहो यार वो कितना लकी है, उसमें ये है, उसमें वो है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर वो क्वालिटी है। ये करने से अगर वो क्वालिटीज तुम्हारे अंदर आ जाती तो
तो मैं कहता कि हाँ करते रहो पूरे दिन, लेकिन इससे तुम खुद को कमजोर बना रहे हो, तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो और बाकियों को मजबूत समझ रहे हो। हमेशा याद रखना, सामने वाले के अंदर जो भी चीज अच्छी है, तुम्हें अच्छी लगती है, तो जलो मत, कभी भी जलो मत, उसे अपने अंदर डालो, उसे अपने अंदर डालो। लोग कहेंगे ये कॉपी हुआ, ये कॉपी नहीं, इसे इंस्पिरेशन कहते हैं। मेरा ऑनेस्टली हमेशा से ये मानना है कि हर एक इंसान आपको कोई ना कोई चीज सिखा सकता है। कोई भी इंसान हो, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा ज्ञान होगा जो आपको सिखा सकता है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई गोल्डन ज्ञान होता है, तो क्या पता कौन सा गोल्डन ज्ञान आपकी जिंदगी में काम आ जाए और आप बहुत आगे बढ़ जाओ। तो कभी भी किसी से भी कॉपी करने में मत चूको। लोग कॉपी बोलेंगे, बट एवरीथिंग इज फेयर इन द लव एंड वॉर ब्रो। पॉइंट नंबर 5, दो लोगों को जिंदगी में कभी माफ मत करना। हमेशा याद रखो, दो लोगों को जिंदगी में कभी भी माफ मत करना। पहला वो इंसान जिसने तुम्हारी बेइज्जती की है किसी मोमेंट पे कभी भी, और दूसरा वो इंसान जिसने तुम्हें तड़पाया है तुम्हारे बुरे वक्त में। वक्त वक्त की बात है, आज आपका वक्त नहीं है, कल आएगा तो जरूर। उस वक्त अगर ऐसे लोग आपके पास आए तो सिर्फ इतना बोलना, कौन हो सर आप, मैं नहीं जानता आपको, जब मैं कमजोर था तो कहां थे आप, पहले फुर्सत में निकलिए वरना लोहे की रॉड बहुत है मेरे पास। जो लोग ऐसे लोग को माफ कर देते हैं, ये उन्हें दोबारा डसते हैं, क्योंकि ये साक्षात नाग होते हैं। हमेशा याद रखना, क्या ह्यूमैनिटी ये कहती है कि अगर किसी का वक्त खराब हो आप उसकी बेइज्जती करो? नहीं ना, ये ह्यूमंस नहीं होते, ये आपके बुरे वक्त में हमेशा आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। कभी भी ऐसे लोगों को माफ मत करना जो बुरे वक्त में आपकी बेइज्जती करते हो, या कभी भी आपकी बेइज्जती करते हो, आपकी इज्जत उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, जो बुरे वक्त में आपको तड़पाते हो, और तीसरा आपको पीठ पीछे धोखा भी देते हो, इसको भी जोड़ ही लीजिए, इसको भी छोड़ देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये बातें जानकर आप एक पावरफुल एटीट्यूड बना पाओगे। लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, माई टिप्स की पेड कंसल्टेंसी ले, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा और आपकी परेशानी को हल करूंगा। हे गाइस, आपने अपने भाई समर को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, क्यों फॉलो करोगे? दो रीजन से, एक तो बात कर पाओगे और दूसरा अमेजिंग रील्स पोस्ट कर रहा हूँ, मजा आएगा, जाओ फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।